नमस्कार दर्शकों आज हम जनवरी 2023 में रुचिक राशि के राशिफल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे साथ ही साथ कार्य क्षेत्र प्रेम विवाह स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे जनवरी मासिक राशिफल दो हज़ार तेईस के अनुसार ऋषभ राशि वाले जातकों को इस महीने अपनी बुद्धि और विवेक का सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत हुई जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें अपना व्यवसाय सुचारू और स्थिर रूप से चलाने के लिए धन से संबंधित फैसले के प्रति धैर्यवान रहने की आवश्यकता होगी जानेवारी महीने में आपका व्यक्तिगत विकास संभव होगा यदि आप अपने पेशेवर और निजी जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें अन्यथा परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं रुचिक राशि वाले जातकों को करियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिलेगी इस महीने दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति होने से करियर में मामले में आपका समय अच्छा रहेगा अगर आप सार्वजनिक या सरकारी नौकरी में है तो इस समय वेतन वृद्धि की संभावना बन रही है वही कुछ लोग को विदेश में नौकरी का मौका भी मिलेगा इसके अलावा जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि आशंका है कि आप अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे जिसका कारण आपको नुकसान हो सकता है यदि आप इस महीने यदि करियर बदलने पर विचार कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक योजना बनाइए ऐसा करने से पहले उस क्षेत्र से संबंधित एक्सपर्ट से बातें करें काम के क्षेत्र में के बारे में सब कुछ जानें और तय करें कि क्या यह कार्य आपकी रुचि और प्राथमिकता में अनुकूल है या नहीं अगर हाँ तो उसके बारे में कोई निर्णय ले कुल मिलाकर जनवरी के महीने में अगर आप कुछ कुछ नया करने का विचार बना रहे हैं तो इस विषय में पहले अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर ले उसके बाद ही किसी भी चीज़ का फैसला ले इस महीने बारहवें भाव में केतु स्थित होगा और इसी भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है जिसके चलते आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं ऐसे में आपको फिजूल खर्च करने की आदत पर नियंत्रण रखना होगा धन खर्च करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ले इसे करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे वही यदि आप इस महीने कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो इसका परिणाम अनुकूल रहेगा आपको आर्थिक लाभ देखने को मिल सकता है लेकिन इसके साथ ही आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा वरना आगे के लिए समस्या पैदा हो सकती है पैसे खर्च करने के लिए एक अच्छा बजट बनाइए और उसी के आधार पर खर्च करें इससे आप अनावश्यक खर्च से बच सकेंगे पैसे को किस तरह से बचाइए और कहाँ निवेश करें इसके लिए आप किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले सकते हैं यह आपको न केवल पैसे बचाने में मदद करेगा बल्कि आप अनावश्यक खर्च से भी बच सकेंगे इसके अलावा आप अपने दोस्तों और परिवारजनों की सलाह भी ले सकते हैं सेहत के लिहाज से यह महीना आपके लिए सामान्य से अच्छा रहने की संभावना है लेकिन छठे भाव में स्थित होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है आशंका है कि मौसम बदलने के चलते खांसी सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है यदि आप प्रतिदिन योग और व्यायाम आदि करते हैं तो आप इन समस्याओं की चपट में आने से भी बच सकते हैं यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है इसके अलावा अपने शरीर को फिट रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें बाहर का जंक फूड व तला बुना खाने से परहेज करें क्योंकि यह बाद में परेशानी दे सकता है जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इस महीने सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है सलाह दी जाती है कि स्वास्थ्य को लेकर ज़रा सी भी लापरवाही न बरतें समय पर आपनी दवाइयाँ लें कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जानवरी के पहले भाग में प्रेम और रोमांस के भाव में शनि की दृष्टि से चलते आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ गलत फैमिली पैदा हो सकती है हालांकि आप अपनी समझदारी से इन मुद्दों को हल कर लेंगे और अपने पार्टनर के साथ बेहद करीब रहेगी जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा बस महीने के पहले भाग में आप ही को कुछ सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा आप अपने रोमांटिक लाइफ का आनंद उठा पाएंगे आपको सलाह दी जाती है कि जीवन में अधिक रोमांस व प्यार भरने के लिए अपने साथी का हर काम में साथ दे हर परिस्थितियों में साथ खड़े रहने की कोशिश करें और उनकी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखें। बेहतर होगा कि फालतू की खर्च करने से बचें क्योंकि यह आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते में हैं उनके बीच मतभेद पैदा होने की आशंका है यहाँ तक कि नोक नोकझोंक भी हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले जातक महीने के दूसरे भाग में साथी से मुलाकात कर सकेंगे जनवरी मासिक राशि दो 23 के अनुसार इस महीने आपका पारिवारिक जीवन बेहद शानदार रहने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि शुक्र छोटे भाव में गोचर करेगी लेकिन साथ ही आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आपका जीवनसाथी जो भी प्रयास कर रहा है उसमें उनका समर्थन करें उनका सुख दुख संघर्ष आशंकाओं और उपलब्धियों आदि के साथ खड़े रहे इस महीने सबसे समझदारी का काम यह होगा कि आप अपने परिजनों के साथ फालतू बेवजह चर्चा करते से बचें परिवार के साथ आपके संबंध जितने अच्छे रहेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा पारिवारिक वातावरण को खुशनुख बनाए रखने के लिए स... सबके साथ सब्र और मेहरबानी से पेश आए उपाय के तौर पर करियर या व्यवसाय के लिए कार्यस्थल में उत्तर दिशा की तरफ बैठे प्रतिदिन ओम का जाप करें और ध्यान लगाएं तर्जनी उंगली पर सोने की अंगूठी पहने अपने आसपास हरियाली रखें शिक्षा के लिए चंदन के गिलास में पानी पिए हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रेम या विवाह के लिए दक्षिण और पूर्व दिशा को अव्यवस्था मुक्त रखें ओपल को अनमिका में धारण करें स्वास्थ्य के लिए चांदी के गिलास में रखा पानी पिए